हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं डिफरेंट टाइप के यूनिक 29 यूनिक शार्पनर कलेक्शन की वीडियो। एंड जैसे कि दोस्तों आप यहां देख सकते हो, आज हमारे पास है अलग अलग टाइप के 29 शार्पनर्स एंड गाइस कुछ सिमिलर्स भी हैं। तो गाइस आज हम इनकी देने वाले रिव्यू, एंड गाइस वीडियो को जरूर अंत तक देखना एंड आपको बताना है कि आपको कौन सा शार्पनर सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास सबसे पहला शार्पनर आ जाता है ये कुछ इस तरीके का, जो कि देखने में बहुत ज्यादा वंडरफुल है। एंड गाइस ये आउल है, देख सकते हो। यहां नीचे देख सकते हो हमें दो शार्पनर्स मिल जाते हैं देखने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम सा लग रहा है देखने में भी। एंड गाइज यहां से हम इसको ओपन करेंगे तो ये देख सकते हो हमें टू शार्पनर्स मिलते हैं देखने के लिए, जो कि एक बड़ा है एंड गाइज एक छोटा शार्पनर है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एंड गाइज आपने देखा ये ऊपर की किस तरीके से अमेजिंग सा लगता है निकालने पर भी। एंड गाइज हम इसको साइड में रखते हैं। एंड गाइज यहां पर आप अपने पास नेक्स्ट शार्पनर आ जाता है, जो कि गाइज अपने पास जाता है एक अलराम शार्पनर, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल सा शार्पनर है। एंड गाइज ये अलराम शार्पनर है, जो कि देख सकते हो बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है देखने में। एंड गाइज इसमें भी हमें मिल जाते हैं टू शार्पनर्स एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग सा शार्पनर है। एंड गाइज यहाँ से मैं इसको नीचे से आपको दिखाऊंगा तो यहाँ देख सकते हो टू शार्पनर वाला मिल जाता है। एंड गाइज यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं तो ये देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया लगता है देखने में भी। तो यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं। एंड गाइज आपको इसमें से कौन सा शार्पनर सबसे ज्यादा बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड गाइज अब हमारे पास आता है कि बहुत ही ज्यादा शानदार सा शार्पनर, जो कि ट्रोली वाला शार्पनर है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से, नीचे छोटे छोटे व्हील्स है। एंड गाइज यहाँ पर ये हैंडल दिया गया है एंड ये देख सकते हो वाओ कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना यहाँ पर प्रिंसेस भी। एंड गाइज यहाँ से हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें एक इरेजर मिल जाते हैं साथ में। एंड गाइज ये देख सकते हो ये शार्पनर वाला एंड इरेजर वाला ट्रॉली सेट है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में भी। एंड गाइज साथ में हमें एक इरेजर भी मिल जाती है देखने के लिए, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो गाइज ये भी सच में बहुत ज्यादा यूनिक चीज है। एंड आपको ये ट्रॉली सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइज नेक्स्ट आ जाता अपने पास ये देख सकते हो कि स्कूटर वाला अलग सा शार्पनर, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका हैंडल वगैरह भी मूव होता है, जो कि देख सकते हो इस तरीके से स्कूटर बन जाता है गाइज, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड यहाँ लिख रखा है गाइज आई एम स्टार, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। एंड गाइज यहाँ पर देख सकते हो इसके सीट के नीचे से यहाँ खुलता भी है, तो गाइज इसको यहाँ से हम खोलेंगे तो ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है, जो कि हम यहाँ से इस तरीके से निकाल के फेंक सकते हैं। एंड गाइज निकलने के बाद हमें इस तरीके से इसको फिर से जोड़ देना है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड गाइज इसमें हमारे पास टू कलर्स हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों ही कलर्स। एंड गाइज आपको इन दोनों में से कौन सा कलर सबसे ज्यादा बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइज नेक्स्ट शार्पनर अपने पास आता है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा शार्पनर, जो कि आप देख सकते हो ये शटल कॉक वाला शार्पनर है। एंड गाइज ये मेरा स्नैक्स में निकला था एंड बहुत ज्यादा शानदार है गाइज, ये देख सकते हो गाइज कुछ मेरे पैकेट्स में निकले थे एंड गाइज कुछ मैंने परचेज करे ऑफलाइन मार्केट से भी। एंड आप यहाँ देख सकते हो कितना ज्यादा यूनिक है गाइज। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें मिल जाता है देखने के लिए शार्पनर, जो कि बहुत ज्यादा सही शार्पनर लगता है देखने में, बहुत ज्यादा मस्त सा लगता है देखने में, ये देख सकते हो। एंड गाइज कुछ इस तरह। एंड गाइज बहुत ज्यादा हार्ड प्लास्टिक में है, बहुत ज्यादा यूनिक है। एंड यहाँ पर हमें इसके साथ भी मिल जाते हैं दो कलर देखने के लिए, जो कि आप यहाँ देख सकते हो एक लाइट ग्रीन है एंड एक ब्लू कलर है, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड गाइज आपका इन दोनों कलर में से कौन सा फेवरेट है कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। एंड गाइज नेक्स्ट शार्पनर अपने पास आ जाता है ये देख सकते हो गाइज टू इन वन शार्पनर, जो कि बहुत ज्यादा शानदार है गाइज। यहाँ पर हम इस तरीके से खोलेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाती है इरेजर देखने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा शानदार है। एंड गाइज साथ में हमें एक और चीज भी मिल जाती है यहाँ पर देखने के लिए, ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा डस्ट इकट्ठा होगा, यहाँ से हम अपनी पेंसिल वगैरह शार्प कर सकते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड गाइज साथ में हमें मिल जाता है इसके अंदर भी साफ करने का, जो कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर ही अगर इसके अंदर डस्ट इकट्ठा हो जाएगा तो आराम से इसको साफ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक शार्पनर है। एंड आपको ये शार्पनर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। एंड गाइज आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास जाता है एक बहुत ज्यादा यूनिक सा शार्पनर, जो कि गाइज आप यहाँ देख सकते हो आपको टेडी बेयर लगा होगा, बट गाइज ये है टेडी बेयर वाला शार्पनर, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक सा है। एंड गाइज इसके बैक देख सकते हो आप, पीछे बैक दिया हुआ है जहां पर इकट्ठा होगा अपना डस्ट गाइज। एंड आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर भी हमें शार्पनर है, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ से हम पेंसिल वगैरह शार्प कर यहाँ पर डस्ट इकट्ठा हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा बढ़िया शार्पनर है ये। एंड ये गाइस शार्पनर किसको उसको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड गाइस इसके अंदर अपने पास है टू कलर्स, जो कि गर्ल्स का एंड एक बॉयज का भी कह सकते हैं। एंड गाइस पिंक वाला तो गर्ल्स का हो सकता है एंड बॉयज का तो ब्लू हो सकता है, तो देख सकते हो हमारे पास दो है। एंड गाइस आपको इन दोनों में से कौन सा कलर फेवरेट है एंड कौन सा वाला टेडी बेयर अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। एंड हम यहाँ पर इसको रख देते हैं। एंड गाइस अब हमारे पास जाता है ये ओवल वाला, देख सकते हो डस्ट कलेक्टर, जो कि दोस्तों डॉम्स कंपनी का है एंड बहुत ज्यादा बढ़िया सा शार्पनर है, ये भी देख सकते हो कुछ इस तरीके का। एंड गाइस इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होती है, यहाँ
यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से पेंसिल शार्प करनी है, ये देख सकते हो। एंड यहाँ से हम इस तरीके से उसको खोलेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक शार्पनर देखने के लिए। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो जाएगी जो कि हम यहाँ से फेंक भी सकते हैं। एंड गाइज ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक सा शार्पनर है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड गाइज ये आवल वाला शार्पनर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। डॉम्स कंपनी का है गाइज ये, 10 रुपीज़ का शार्पनर मिलता है। एंड गाइज बहुत ज़्यादा यूनिक शार्पनर है। एंड गाइज अब हमारे पास आता है एक और बहुत ज़्यादा शानदार सा शार्पनर। एंड गाइज आपको एक कैचअप की बॉटल लग रही होगी। एंड गाइज ये एंग्री बर्ड वाला शार्पनर है। एंड आप यहाँ देख सकते हो नीचे हमें मिल जाता है यहाँ पर शार्पनर देखने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में भी। तो इसको भी फटाफट से हम ओपन करके देखते हैं। एंड गाइज ये देख सकते हो पूरी कैचअप की बोतल लग रही होगी आपकी। एंड गाइज ये मेरा स्नैक्स के अंदर निकला था जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग शार्पनर है गाइज ये। एंड गाइज ये देख सकते हो कितना ज़्यादा यूनिक है। एंड गाइज मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से इसको ओपन करके, कुछ इस तरीके से हमें इसको ओपन कर लेना है। एंड गाइज इसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेस हमें दी गई है, यहाँ देख सकते हो दो शार्पनर हमें मिलते हैं। एंड गाइज आप यहाँ देख भी सकते हो वाह कितनी ज़्यादा स्पेस है ना गाइज, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा डस्ट इकट्ठा हो जाएगा इसके अंदर। एंड गाइज इसको भी हम फटाफट से बंद कर देते हैं एंड यहाँ पर हम इसको रख भी देते हैं। एंड गाइज अब हमारे पास आता है बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा शार्पनर। एंड गाइज ये वाला आपको लग रहा हो कितने का है गाइज, ये है मेरा 30 रुपीज़ का शार्पनर जो कि इस प्राइस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल शार्पनर है। एंड गाइज अब हमारे पास आता है यूनिकॉर्न वाला ब्यूटीफुल सा शार्पनर जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। एंड गाइज इसका डिज़ाइन देख सकते हो कितना ज़्यादा वंडरफुल है ना गाइज, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इसका डिज़ाइन। एंड सच में गाइज बहुत ज़्यादा यूनिक भी है। एंड आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से खोलना है इसको, तो यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखा भी देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसको ओपन करते हैं सबसे, गाइज मैंने इसको ओपन कर दिया। एंड गाइज इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाएगी देख सकते हो, कुछ इस तरीके से शार्पनर बाहर आ जाता है। एंड गाइज फिर यहाँ पर हम इस तरीके से लगा भी सकते हैं इसको बाद में, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक सा शार्पनर है। एंड गाइज इसको भी हम यहाँ रख देते हैं फटाफट से। एंड गाइज इसमें भी अपने पास है दो कलर्स जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड गाइज आपको इन दोनों कलर्स में से कौन सा कलर अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं गाइज, देख सकते हो कितना ज़्यादा यूनिक है ना। एंड यहाँ पर हम इसको रख देते हैं फिलहाल साइड में गाइज। एंड गाइज अब हमारे पास आता है एक और यूनिक सा शार्पनर जो कि आप यहाँ देख सकते हो एंग्री बर्ड का ही है गाइज ये भी। एंड गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये वही वाली है दोस्तों, यहाँ पर हमारी इरेजर मिल जाती है। एंड गाइज ये 3-in-1 वाला काम है इसके अंदर। एंड गाइज ये देख सकते हो डस्ट वगैरह साफ करने के लिए भी हो जाता है यहाँ से। एंड गाइज ये मिल जाता है हमें देखने के लिए यहाँ पर शार्पनर जो कि बड़ा यूनिक सा शार्पनर है गाइज। एंड आपको ये शार्पनर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। एंड गाइज इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। एंड गाइज अब हमारे पास आता है एक और यूनिक सा शार्पनर जो कि देख सकते हो कुछ आपको क्यूब जैसा लग रहा होगा। एंड गाइज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल शार्पनर ये देख सकते हो, वाओ अमेजिंग। एंड गाइज आप जैसे इसको खोलोगे इस तरीके से हम यहाँ से खोलते हैं इसको, यहाँ से भी खोल सकते हैं एंड गाइज यहाँ से भी खोल सकते हैं, तो हम यहाँ से खोल के चेक करते हैं इसको। एंड गाइज आप यहाँ देख सकते हो कितनी ज़्यादा डस्ट इकट्ठा होगी। एंड गाइज ये अंदर आपको दिख रहा होगा शार्पनर भी। एंड गाइज ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पेस मिल जाती है। एंड गाइज बहुत ज़्यादा बढ़िया सा शार्पनर है। एंड आप बताना जरूर से कि आपको इसमें से शार्पनर कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर लगा। एंड गाइज ये 20 रुपीज़ का शार्पनर है जो कि अच्छा है, थोड़ा मेरे को उसका प्राइस ज़्यादा लगा। एंड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। एंड गाइज हमारे पास एक और भी यूनिक सा शार्पनर है जो कि आप देख सकते हो डॉम्स का शार्पनर है गाइज, ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक सा शार्पनर है। एंड आप यहाँ देख सकते हो वाओ ब्लू कलर का शार्पनर। एंड गाइज यहाँ से हम इसके साथ पेंसिल शार्प करनी है। एंड गाइज इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है देखने के लिए क्योंकि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर हमें मिल जाती है एक इरेजर, साथ में गाइज हम नीचे से खोलेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाती है इसके अंदर स्पेस देखने के लिए। तो ये देख सकते हो गाइज यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पेस मिलती है हमें रखने के लिए। एंड गाइज जो भी आप पेंसिल शार्प करोगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा डस्ट गाइज। एंड गाइज अब हमारे पास हो जाता है कि एस्ट्रोनॉट वाला शार्पनर जो कि आप यहाँ देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल शार्पनर है। एंड गाइज बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है देखने में। एंड गाइज इसके ऊपर रहती है 2 इरेजर्स जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के बाहर। एंड आप यहाँ देख सकते हो फ्रॉग है एंड गाइज एक पांडा भी है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। यहाँ पर ये छोटी छोटी सी इरेजर्स हैं। एंड गाइज यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं। एंड गाइज अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि देख सकते हो यहाँ पर हमें मिल जाता है शार्पनर देखने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड गाइज यहाँ पर मैं इसको आपको अलग करके भी दिखा देता हूँ। एंड गाइज देख सकते हो इसके अंदर कितनी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है हमें देखने के लिए जो कि बहुत अच्छा शार्पनर है गाइज। एंड आपको ये शार्पनर कैसा लगा एस्ट्रोनॉट वाला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड इसको हम इसके अंदर रख भी देते हैं फटाफट से, तो मैं यहाँ पर इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। एंड गाइज आप यहाँ देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा शॉपनर। एंड गाइज ये हमारे पास आता है कि स्मॉल सा शॉपनर जो कि देख सकते हो कितना ज़्यादा छोटा स्मॉल सा है। एंड गाइज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड गाइज ये येलो कलर का शॉपनर है बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा। एंड गाइज यहाँ से आप इसके अंदर पेंसिल शार्प कर सकते हो। एंड गाइज इसको हम यहाँ से ऊपर से खोल भी सकते हैं। तो गाइज ये गर्ल्स का लग रहा है आपको भी देख सकते हो ना, यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस है गाइज, छोटा सा है मिनी है गाइज, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड गाइज अब हमारे पास आ जाता है ये वाला शार्पनर जो कि देख सकते हो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है।
एंड गाइस इसमें दो टेडी बेयर्स दे रखे हैं जो कि आपको दिख भी रहे होंगे एंड गाइस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो गाइस हमें यहां से इसके अंदर पेंसिल शार्प करनी है जो कि देखने में इतना ज्यादा यूनिक है ना गाइस, आप यहां देख भी सकते हो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड गाइस इसको यहां से हम ओपन करेंगे, शायद यहां से ही करना है गाइस इसको ओपन, तो ये देख सकते हो यहां मिल जाती है हमें बहुत सारी जगह देखने के लिए जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया शार्पनर है गाइस। एंड आपको जरूर बताना है आपको ये शार्पनर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड यहां पर हम इसको साइड में रखते हैं। एंड गाइस अब हमारे पास आता है सबसे छोटा एंड नॉर्मल सा शार्पनर जो कि गाइस हम अपने बहुत ज्यादा काम में यूज करते हैं। एंड गाइस ये ज्यादा रुपए का नहीं है गाइस, ये 5 रुपीज का शार्पनर है एंड ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया है गाइस, ज्यादातर हम ये यूज करते हैं ज्यादातर ये वाला शार्पनर हम। एंड गाइस ये देख सकते हो हमारे पास एक और ट्रोली वाला शार्पनर भी है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड गाइस इसमें हमारे पास यूनिकॉर्न भी है एंड ये देख सकते हो ये वाला भी है, तो ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। एंड यहाँ पर यूनिकॉर्न वाला मैं आपको शायद दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर यूनिकॉर्न वाला भी आप देख सकते हो जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग सा है, देख सकते हो वाओ। एंड गाइस इसमें भी 2-in-1 वाला काम है एंड देख सकते हो यहाँ पर हमें मिल जाती है अच्छी खासी स्पेस देखने के लिए। एंड यहाँ पर डस्ट इकट्ठा होगा एंड यहाँ इरेजर है। एंड गाइस ये भी ट्रॉली वाला है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड गाइस इसमें हमारे पास 2 है एंड आप यहाँ देख सकते हो। अब हमारे पास जाता है यूनिकॉर्न वाला कैमरे वाला शार्पनर जो कि आप यहाँ देख सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग सा है, ऑसम शार्पनर है गाइस, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है देखने में। एंड गाइस हम इस तरीके से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेस हमें देखने के लिए मिल जाती है एंड यहाँ पर हमारा डस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा। एंड गाइस ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पर हमें 2 शार्पनर्स मिलते हैं देखने के लिए जो कि मैं आपको दिखा भी था, तो यहाँ 1-2-2 शार्पनर्स वाला है ये अपना यूनिकॉर्न वाला कैमरा। एंड गाइस इसमें अपने पास है 2 कलर्स जो कि आप यहाँ देख सकते हो, अलग अलग टाइप के 2 कलर्स हैं यूनिकॉर्न वाले हैं गाइस। एंड आपको इन दोनों में से कौन सा सबसे बेटर लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। एंड गाइस यहाँ पर हमारे पास एक और अलार्म है गाइस, वहाँ पर एक और था, यहाँ पर भी एक और अलार्म है जो कि आप यहाँ देख सकते हो। ये भी गाइस मुझे सच में बहुत ज़्यादा यूनिक लगा। एंड आपको ये शार्पनर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड यहाँ पर हमें 2 मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ साइड में। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। एंड दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको ऐसी और कलेक्शन वाली वीडियोस चाहिए, तो बाय बाय दोस्तों, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।